आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह भी चर्चा हुई कि हम इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बोला जाता है, बाहर भी बोला जाता है और कुछ लोग लिखा जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगाल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है और देश के लिए चिंता का विषय, बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकी पूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया, उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया है और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं इतिहास बदल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हम सिर्फ कुछ लोगों की याददाश्त को ठीक करना चाहते हैं, थोड़ा उनका मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं। हम कोई इतिहास बदल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का इतिहास कुछ ही साल से शुरू होता है, हम जरा उसको पहले ले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उनको 50 साल के इतिहास में ही मजा आता है तो हमको 100 साल तक ले जा रहे हैं, किसी को 100 साल तक मजा आता है तो हम 200 साल के इतिहास में ले जाते हैं, किसी को 200 साल तक हम 300 ले जाते हैं। अब जो 300 साढ़े 300 ले जाएंगे तो छत्रपति शिवाजी का नाम आएगा ही आएगा। हम तो उनकी मेमोरी को सतेज कर रहे हैं, हम इतिहास बदल नहीं रहे। कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ एक परिवार तक सीमित है, क्या करें इसका? और इतिहास तो बहुत बड़ा है, बड़े पहलू है, बड़े उतार चढ़ाव है और हम इतिहास के दीर्घकालीन कालखंड को याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गौरवपूर्ण इतिहास को भुला देना इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, यह हम अपना दायित्व समझते हैं। और इसी इतिहास से सबक लेते हुए हमने आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक विश्वास पैदा करना है।